केवी विजेंद्र प्रसाद इंडियन का नंबर वन राइटर है और जिनका लिखा हुआ स्टोरी के ऊपर बनने वाले फिल्में सिर्फ साउथ में ही बॉलीवुड पे भी बिगेस्ट इंडस्ट्री हिट होता है। और बता दूं दोस्तों, उन्होंने राजामौली साहब का पिता है। तो सच में ऐसे ही केवी प्रसाद का बॉक्स ऑफिस के बारे में बताने वाली हूँ, तो वीडियो शुरू से अंत तक जरूर देखिएगा। तो चलिए इंट्रो के बाद मिलते हैं। जानकी रामुदू, ये 1998 का किंग नागार्जुन का फिल्म रहा और ये रहा हिट। नंबर टू बोब्बिली सिम्हम, ये 1994 का एक्शन ड्रामा फिल्म है जहाँ पर नंदमुरी बालकृष्ण जी लीड रोल में नजर है। इसमें कृष्णा वेणी की ब्लड कैंसर से जुड़ा कर कहानी को दिखाई है। पता दोस्तों, जहाँ पर बजट था सिर्फ 50 लाख, बॉक्स ऑफिस पर यह फिल्म कलेक्शन किया है 3 करोड़ और ये रहा ब्लॉकबस्टर। नंबर थ्री बंगारू कुतुम्बम, ये 1994 का ड्रामा फिल्म है जहाँ पर अक्कनी नागेश्वर राव को लीड रोल में नजर है और ये फिल्म फैमिली ऑडियंस का दिल जीत लिया था। जहाँ पर बजट था सिर्फ 70 लाख, बॉक्स ऑफिस पर इसका कलेक्शन रहा 2 करोड़ और ये रहा सुपरहिट। नंबर फोर घराना बुल्लोदू, ये 1995 का किंग नागार्जुन का फिल्म है जहाँ पर राजा कैसे इनजस्टिस के अगेंस्ट में फाइटिंग करते हुए इसमें दिखी है। जहाँ पर इसका बजट था 1 करोड़, कलेक्शन रहा 3 करोड़ और ये रहा ब्लॉकबस्टर। नंबर फाइव शारदा बुल्लोदू, ये 1996 का फिल्म है और इसमें पर ये रहा फ्लॉप। नंबर सिक्स अप्पाजी, ये 1996 का कन्नड़ा एक्शन ड्रामा फिल्म है जहाँ पर विष्णुवर्धन जी को लीड रोल में नजर है। इसमें रेखा की फैमिली मर्डर से जुड़कर कहानी को दिखाई है। जहाँ पर बजट था 30 लाख, बॉक्स ऑफिस पर कलेक्शन रहा 1 करोड़ 50 लाख और ये रहा सुपरहिट। नंबर सेवन कुरुबाना रानी, ये 1998 का सेंचुरी स्टार शिवराज कुमार का फिल्म है पर रहा एवरेज। नंबर नाइन सामारा सिम्हा रेड्डी, ये 1999 का एक्शन ड्रामा फिल्म है जहाँ पर नंदमुरी बालकृष्ण जी को लीड रोल में नजर है। इसमें सामारा सिम्हा रिवेंज स्टोरी को दिखाई है और ये फिल्म उस वक्त का एक ट्रेंड सेटर और साथ में कल्ट स्टेटस फिल्म रहा। लगभग 1 साल तक थिएटर पर रन किया है जहाँ पर बजट था 4 करोड़, बॉक्स ऑफिस पर कलेक्शन रहा 28 करोड़ और ये रहा ऑल टाइम इंडस्ट्री हिट। नंबर टेन सिम्हाद्री, ये 2003 का एक्शन फिल्म है जहाँ पर यंग टाइगर जूनियर एनटीआर को लीड रोल में नजर है। इसमें कस्तूरी और राम का प्यार से जुड़ा कर फैमिली फाइटिंग को दिखाई है। जहाँ पर बजट था 7 करोड़, बॉक्स ऑफिस पर कलेक्शन रहा 32 करोड़ और ये रहा ब्लॉकबस्टर। नंबर 11 साई, ये 2004 का स्पोर्ट्स एक्शन फिल्म है जहाँ पर नितिन को लीड रोल में नजर है। जहाँ पर इसका बजट था 8 करोड़, बॉक्स ऑफिस पर कलेक्शन रहा 15 करोड़ और ये रहा सुपरहिट। नंबर 12 विजेंद्र वर्मा, 2004 में ये एक्शन फिल्म आई जहाँ पर नंदमुरी बालकृष्ण जी को लीड रोल में नजर था पर ये रहा फ्लॉप। नंबर 13 ना अल्लूदू, ये 2005 का जूनियर एनटीआर का एक्शन कॉमेडी फिल्म था पर ये भी रहा फ्लॉप। नंबर 14 छत्रपति, 2005 में आई एक्शन फिल्म जहाँ पर रेबल स्टार प्रभास को काफी एक्शन एक्टर में नजर आई है। इसमें रिफ्यूजी का कहानी से जुड़ा कर फैमिली को दिखाई है और इसमें का एक्शन और इमोशन सबका दिल जीत गया था और जो फिल्म 100 डेज तक थिएटर पर किया है रन। जहाँ पर बजट था 8 करोड़, कलेक्शन रहा 25 करोड़ और ये रहा सुपरहिट। नंबर 15 पांडुरंगा विट्टला, ये 2005 का रविचंद्रन स्टारर कन्नड़ फिल्म है और जो रहा एवरेज। नंबर 16 विक्रमार्कुदू, ये 2006 का द मास महाचर रवि तेजा का कैरियर में एक बिगेस्ट ब्रेक थ्रू फिल्म था जहाँ पर सती बाबू और राठौर का कहानी को दिखाई है। जहाँ पर बजट था 11 करोड़, कलेक्शन रहा 60 करोड़ और ये रहा ब्लॉकबस्टर। नंबर 17 यमा दोंगा, और ये 2007 में आई जूनियर एंटर का फैंटेसी एक्शन फिल्म। बजट था 15 करोड़, कलेक्शन रहा 40 करोड़ और ये रहा ह्यूज ब्लॉकबस्टर। नंबर 18 मित्रुदू, ये 2009 का नंदमुरी बालकृष्ण जी का फिल्म है और जो रहा फ्लॉप। नंबर 19 मघाधीरा, ये 2009 का मेगा पास्टर रामचरण का फैंटेसी एक्शन फिल्म है और जिसका स्टोरी पुनर्जन्म पर बेस्ड था और जो फिल्म 1000 डेज तक थिएटर पर रन करके उस टाइम पे साउथ का लॉन्गेस्ट रन फिल्म बन गया। जहाँ पर बजट था 30 करोड़, कलेक्शन रहा 150 करोड़ और ये रहा इंडस्ट्री हिट। नंबर 20 बाहुबली द बिगिनिंग, और ये 2015 में आई एपिक एक्शन फिल्म और सभी लोग जानते हैं कि इसमें रेबल स्टार प्रभास से शुरू करके राणा दग्गुबाती अनुष्का शेट्टी तमन्ना लीड रोल में नजर है और जिसका बजट था 200 करोड़, कलेक्शन रहा 650 करोड़ और ये रहा इंडस्ट्री हिट। नंबर 21 बजरंगी भाईजान, साउथ पे इंडस्ट्री हिट देने के बाद
अभी केवी विजेंद्र प्रसाद ने बॉलीवुड को भी दिया है एक इंडस्ट्री हिट फिल्म। और जो 2015 में आई भाईजान सलमान खान का कॉमेडी ड्रामा फिल्म था, और इसमें बजरंगी कैसे पाकिस्तानी मुस्लिम लड़की मुनी को मदद करते हुए इसमें दिखी है। और ये रहा बॉलीवुड का ऑल टाइम सेकेंड हाइस्ट ग्रॉसिंग फिल्म, जहाँ पर बजट था 90 करोड़, वर्ल्ड वाइड पर कलेक्शन रहा 950 करोड़, और ये रहा इंडस्ट्री हिट। नंबर 22 जागुर। ये 2016 का निखिल गौदा का कन्नड़ा सुपर हीरो फिल्म था, पर ये रहा फ्लॉप। नंबर 23 बाहुबली 2। और सभी लोग जानते हैं कि 2017 में आई बाहुबली का सेकेंड पार्ट, ऐसा करके ये फिल्म सिर्फ साउथ नहीं पूरी इंडिया का नंबर 1 फिल्म बन गई है, जहाँ पर इसका बजट था 250 करोड़, कलेक्शन रहा 1820 करोड़, और ये रहा ऑल टाइम इंडस्ट्री हिट। नंबर 24 मार्शल। 2017 में ये रहा थलपति विजय का एक्शन थ्रिलर फिल्म, पर स्क्रीन प्ले लिखा है केवी प्रसाद ने, और इसमें इंडिया का हेल्थ केयर से जुड़ाकर कहानी को दिखी है, जहाँ पर बजट था 120 करोड़, कलेक्शन रहा 260 करोड़, और ये रहा ऑल टाइम ब्लॉकबस्टर। नंबर 25 मणिकर्णिका। ये 2019 का बॉलीवुड का हिस्ट्रिकल बायोग्राफिकल फिल्म है, जहाँ पर कंगना रनौत को लक्ष्मी बाई की रोल में नजर आई है, और ये रहा एवरेज। नंबर 26 थलाइवी। ये 2021 का कंगना की बायोग्राफिकल ड्रामा फिल्म है, जहाँ पर बजट था 60 करोड़, कलेक्शन रहा 15 करोड़, और ये रहा डिजास्टर। नंबर 27 ट्रिपलर। और जहाँ पर विजेंद्र प्रसाद ने इंडिया को बिगेस्ट फिल्म दिया है बाहुबली, और उनका सेकेंड बिगेस्ट फिल्म है ट्रिपलर। और अभी ये फिल्म है पूरी इंडिया का मोस्ट हाइबल अपकमिंग फिल्म, जहाँ पर मेगा पावर स्टार रामचरण, यंग टाइगर जूनियर एनटीआर, आलिया भट्ट और सुपरस्टार अजय देवगन को एक साथ नजर आएंगे, और जिसका रिकॉर्ड ब्रेकिंग एडवांस बुकिंग और प्री सेल आ रही है। बता दोस्तों, ये फिल्म पैन इंडिया में 25 मार्च होगा रिलीज, और जिसका बजट रखा गई है 550 करोड़। तो सबको क्या लगता है ट्रिपल आर का कलेक्शन कितना होगा, और साथ में ये भी बताना कि बाहुबली का रिकॉर्ड पुला तोड़ सकते हैं या नहीं। नंबर 28 सीता द इनकार्नेशन। ये अपकमिंग एपिक प्योर ड्रामा फिल्म है, जहाँ पर कंगना रनौत को लीड रोल में नजाएंगे। नंबर 29 पवन पुत्रा भाईजान। जहाँ पर बजरंगी भाईजान को सिर्फ सलमान की कैरियर नहीं बल्कि बॉलीवुड का बिगेस्ट ब्लॉकबस्टर फिल्म माना जाता है, और इसका सीक्वल आ रही है पवन पुत्रा भाईजान, जिसको डायरेक्ट करेगा कबीर खान ने, और इसमें होगा पहले पार्ट से कई गुना ज्यादा इमोशनल टच। नंबर 30 रॉडी राठौर 2। और राइटर केवी प्रसाद ने कॉन्फर्म किया है कि उन्होंने अभी रॉडी राठौर 2 का स्क्रिप्ट पर काम कर रही है, यानी कि और एक बार किलर अक्षय कुमार को एक राउडी एफ्टर में ऑन स्क्रीन पर नजर आएंगे। तो सो ये रहा नंबर 1 राइटर केवी विजेंद्र प्रसाद का बॉक्स ऑफिस कलेक्शन एनालिसिस के बारे में, और इन सब फिल्मों से कौन सी फिल्म आपका फेवरेट है कमेंट पे बताइएगा, और वीडियो पसंद आए तो एक लाइक करिएगा, और इसको बॉलीवुड साउथ इंडस्ट्री अपडेट पाने के लिए हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा।